सब्सक्राइब करें एबीपी गंगा। तो बिल्कुल आज ऐतिहासिक दिन से कहा जाए, क्योंकि जिस तरह से अनुच्छेद 370 को खत्म किया गया, और आपको बता दें जम्मू कश्मीर अब केंद्र शासित प्रदेश होगा, लद्दाख को अलग कर दिया गया है, और कश्मीर आरक्षण संशोधन विधेयक जो पेश हुआ ये उसी के तहत ये तमाम बातें। हमारे साथ इस वक्त हमारे एडिटर राजकिशोर भी जुड़े हुए हैं, तो एक बार उनका रुख करेंगे। राजकिशोर, क्या कहना आपका? सीधे तौर पर ये कहा जाए कि इतिहास लिख दिया गया है आज, जिस तरह से कश्मीर आरक्षण संशोधन विधेयक पेश किया गया राज्यसभा में। बिल्कुल, इतिहास न सिर्फ लिख दिया गया बल्कि नया इतिहास बना दिया गया है। और रोहित, निश्चित तौर पे जो बात जिस बात पे भारतीय जनता पार्टी से पहले जो जनसंघ होता था 1952 में जिसका गठन हुआ था, उसका जो सबसे प्रमुख मुद्दा था वो कश्मीर को लेकर ही था। और जो इनके पहले अध्यक्ष थे श्यामा प्रसाद मुखर्जी, उनकी हत्या हुई थी, उसको शहीदी दिवस के रूप में भी भारतीय जनता पार्टी मनाती रही है। तो निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी के हर घोषणा पत्र में, हर चुनाव में कश्मीर उसका प्रमुख मुद्दा रहा है। राम मंदिर तो बाद में आया था लेकिन कश्मीर उसका पहला मुद्दा था। अब कश्मीर में जिस तरीके से प्रचंड बहुमत नरेंद्र मोदी सरकार को इस बार मिला था, तो माना जा रहा था कि अगर अब नहीं तो शायद कभी नहीं। लेकिन ये इतनी जल्दी होगा, जैसे ही पहला सदन शुरू होगा सरकार की, बाद में सत्र की कार्रवाई शुरू होगी उसी समय हो जाएगा, ऐसा शायद नहीं सोचा था। और देखिए, सबसे रोचक बात तो ये है कि इस समय विपक्ष पूरी तरीके से बिखरा हुआ है, टूटा हुआ है। विपक्ष अपना नेता नहीं चुन पा रहा है, कांग्रेस अपना अध्यक्ष नहीं चुन पा रही है, उसकी CWC नहीं हो पा रही है, और ये कश्मीर मुद्दे के समाधान की तरफ बढ़ चुके हैं। तो चुनाव हो गया लेकिन उससे उनकी तैयारियों में, उनकी क्षमताओं में, या उनके समर्पण में, या लगातार कहा जाए जिसको कंसिस्टेंसी कहते हैं, अंग्रेजी का एक शब्द है, उसमें कोई कमी नहीं है। तो निश्चित तौर पर अब ये उस दिशा में आगे बढ़ चुके हैं। और विपक्ष भी देखिए शोर जरूर कर रहा है, लेकिन जो संशोधन की बात हो रही है, और भारतीय जनता पार्टी लगातार, अगर आप देखें गृहमंत्री अमित शाह और अभी अध्यक्ष भी हैं, वो लगातार एक ही बात कह रहे हैं कि अगर आपकी कोई बात है तो आप बात करिए, और क्यों 370 रहना चाहिए, क्यों 35 रहनी चाहिए, पहले जनता को बताइए। तो उनके तो घोषणा पत्र में था, तो घोषणा पत्र में जो था वो उन्होंने करने की दिशा में आगे कदम बढ़ा दिया है। अब विपक्ष जितना शोर कर रहा है राष्ट्रवाद के मुद्दे पर, भारतीय जनता पार्टी उतनी मुखर होगी, उतनी प्रखर होगी और उतनी आक्रामक होगी, ये तो तय हो गया है। और जो सबसे बड़ी बात है रोहित, जिस तरीके से आप देखें सेना वहाँ पर गई अंदर, और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ हमें नहीं भूलनी चाहिए कि इसी समय ट्रंप ने दो बार कह दिया कि हम मध्यस्थता को तैयार हैं जी। इस मुद्दे पर नरेंद्र मोदी पर और भारत सरकार पर नजरें उठी कि नरेंद्र मोदी ने उनसे कहा तो साहब आप कर लीजिए मध्यस्थता। अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी को भी संकेत दे दिया गया, सख्त संदेश दे दिया गया कि भाई हमारा मुद्दा है, हम अपने तरीके से तय करना जानते हैं। और निश्चित तौर पे जो एक बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते रहे हैं कि ये 125 करोड़ हिंदुस्तानियों की दी हुई ताकत है, तो जब इस तरीके का बहुमत मिला हुआ है तो उससे आत्मविश्वास भी आया है। और इस आत्मविश्वास का ही नतीजा है कि लगातार, पहले आप अगर देखें तो अभी एक व्हाट्सएप पे एक मैसेज भी चल रहा है जो हम लोग अभी चर्चा भी कर रहे थे रोहित जी, सावन के पहले सोमवार पे आपने क्या किया, चंद्रयान 2 भेज दिया, दूसरे सोमवार पर आपने क्या किया, 3 तलाक का बिल ला दिया, और तीसरा सोमवार है आज नागपंचमी है, तो आज आपने जो है एक और इतिहास रच दिया, और अब चौथे का इंतजार है जी। चौथे में अब क्या होगा, अब ये भी बड़ा दिलचस्प देखना होगा। बिल्कुल रोहित, देखिए चौथा क्या, अभी तो मुझे लगता है कि कश्मीर, देखिए जोक से अगर अलग हटे तो निश्चित तौर पे इस समय ये बहुत संवेदनशील समय है, पूरे देश के लिए एकजुट होने का समय है, और खास तौर से कश्मीर में किसी भी तरीके की पड़ोसी कोई हिमाकत ना कर सके, उसके नापाक इरादे वहाँ पर ना सही हो पाएँ, वो ज़्यादा सफल ना हो पाएँ, ये देखना बहुत ज़रूरी है। तो हमारे सुरक्षा बल, हमारा जो अपना पूरा तंत्र है वो उसमें लगा हुआ है, निश्चित तौर पर राजनीतिक बिरादरी भी, जो सत्ता तंत्र है वो भी उस समय लगा हुआ है, लेकिन मुझे लगता है कि उससे ज़्यादा बड़ी बात है कि कहीं ऐसा ना हो कि जो एक सेपरेटिस्ट जो वहाँ पर लगातार भारत से अलग जो एक धारा चलाने की कोशिश क्या करते रहे, उसमें काफ़ी हद तक वो सफल भी होते रहे, तो ऐसी स्थिति में ये एक मास्टर स्ट्रोक तो कहा ही जा सकता है मोदी सरकार का। और एक देखिए, ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ राजनीतिक इरादे से किया हुआ फैसला है, एक दृढ़ इच्छा शक्ति है, उनका एक कमिटमेंट था, और इस कमिटमेंट की दिशा में सोच समझ कर सूझबूझ से बढ़े हैं, और जैसे ही उनको बहुमत मिला है इस दिशा में वो आगे बढ़ दिए हैं, और ये एक बहुत बड़ी बात है। अब ये देखना होगा कि 12:30 से पहले, आपको याद होगा राज्यसभा के चेयरमैन ने, उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने कहा था कि 12:30 बजे तक विपक्ष की तरफ से जो भी संशोधन है वो यहाँ पेश किए जाए, हम उन पर चर्चा करेंगे। और देखिए रोहित, विपक्ष इस पर जितना शोर करेगा उस पर सत्ता पक्ष और ज़्यादा आक्रामक होगा। देखिए, एक तो विपक्ष वैसे ही कमजोर और बिखरा हुआ है, और दूसरी बात है कि इस बात का वो क्या जवाब देगा कि क्यों
कश्मीर में लोग साथ नाइंसाफी क्यों हो रही, वहाँ पर भ्रष्टाचार क्यों हो रहा है, वहाँ पर ये जो बड़े बड़े सेपरेटिस्ट लीडर हैं, बड़े बड़े नाम हैं जिनको अब अंदर कर दिया गया, जिनको अब बिल्कुल आइसोलेट करने की कोशिश की गई है, उनके बच्चे तो अच्छी खासी शिक्षा लें, और वहाँ पर जो बेरोजगार लड़के हैं, जो नए युवा हैं, वो गोली खाएँ और वो पत्थरबाज बने। तो आखिर ऐसा अनिश्चित भविष्य जिस कश्मीर का है, अगर उसको सुधारने की दिशा में कोई भारत सरकार कदम उठाए तो क्या दिक्कत है? कि भारतीय जनता पार्टी का जो नारा था, जिसे कहा जाए, आपने जिक्र किया श्यामा प्रसाद मुखर्जी का जिक्र किया, कि जहां हुए बलिदान मुखर्जी वो कश्मीर हमारा है, जो कश्मीर हमारा है वो सारे का सारा है, कहीं ना कहीं उस नारे को लगाने वाली जो कई पीढ़ियां थी, जो भारतीय जनता पार्टी की, जिन्होंने वैचारिक तौर पर सींचा भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा को, जो आज इतनी बड़ी पार्टी के तौर पर खड़ी है, और खास तौर पर इस 370 का जो संशोधन विधेयक जो पेश किया, इसके जरिए कई तीर साधे, कई निशाने साधे शाह ने। संघ भी खुश है, संघ का एजेंडा है, संगठन का एजेंडा है, विचारधारा का एजेंडा, यानी सबको सिरे चढ़ा दिया। क्या कहना आपका? देखिए रोहित, बिल्कुल सही बात आपने कही। देखिए अगर आप देखें तो कश्मीर में हिंदुस्तान के हर हिस्से से कितने लोग जाते हैं, अगर बाबा बर्फानी को छोड़ दें, अमरनाथ यात्रा को छोड़ दें, तो अगर हिंदुस्तान के लोगों का कश्मीर से प्रत्यक्ष रूप से अगर कोई मतलब रह गया, तो वैष्णो देवी और अमरनाथ यात्रा एक तरीके से, अगर ये धार्मिक दो स्थल ना हो तो बहुत ज़्यादा सिर्फ हमारे लिए एक भावनात्मक मुद्दा बनकर रह गया था। अगर देखा जाए तो सीधे वो किसी का एक तरीके से ना व्यापारिक लेन देन हो सकता है, ना कुछ हो सकता था, उसके बाद भी कश्मीर हमारा है, कश्मीर हमारा सिरमौर है, कश्मीर हमारा मुकुट है। ये बात सिर्फ संघ और भाजपा की नहीं थी, ये हर हिंदुस्तानी की थी, हर भारतवासी की थी, वो चाहे किसी भी प्रांत में रहता हो, कश्मीर से कन्याकुमारी तक जब हम आप कहते हैं तो इसमें पूरा समग्र राष्ट्र आ जाता है। तो हर भारतीय के दिल की ये बात थी, जिस दिशा में ये आगे बढ़ा गया, तो निश्चित तौर पे भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की वो पूरी पीढ़ियां, जितनी पीढ़ियां जिन्होंने इस संघर्ष को होते हुए देखा है, जो अब नहीं है और जो इस समय सत्ता में है, या संघ के जो तमाम विचारक हैं, उनके लिए बहुत भावुक क्षण है। लेकिन निश्चित तौर पर रोहित, अभी ये शुरुआत है, बड़ा फैसला है। हर फैसला जब पूरी तरीके से अमल में आ जाए और शांतिपूर्ण तरीके से आ जाए, ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि देखिए कश्मीर कोई बहुत सीधी साधी स्थितियां वहाँ नहीं है, बहुत जटिल स्थितियां हैं वहाँ पर। किस तरीके की प्रतिक्रिया होती, इसके मद्देनज़र भारत सरकार ने, इसमें कोई दो राय नहीं है कि जिस तरीके से वहाँ पर सुरक्षा बल और पूरी अपनी तैयारियाँ की हैं, उस पर किसी को कोई शंका नहीं हो सकती है। लेकिन पड़ोसी मुल्क जिस तरीके की हिमाकत करता रहा, जिस तरीके के नापाक इरादे रहे हैं, और पड़ोसी मुल्क से ज़्यादा अगर आप देखें तो भारत के अंदर भी एक बहुत बड़ा वर्ग है जो कश्मीर में 370 हटाने की के खिलाफ रहा है और उसकी मुखालफत करता रहा है। तो ऐसे भी तत्व हैं, लेकिन मुझे लगता है कि जिस तरीके का बहुमत मिला है और जो विपक्ष की स्थिति है और जिस तरीके से सोची समझी रणनीति के साथ सरकार चल रही है, तो उसमें बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और अब फैसला तो ये हो ही चुका है, इसमें कोई दो राय नहीं है, संशोधन होगा, बहस होगा, बहुमत सत्ता पक्ष के पास है, तो अब देखना होगा कैसे आगे बढ़ते हैं। इसके साथ क्या ये भी माना जाए कि जिससे कहा जाए बड़े सोची समझी रणनीति के तहत इस विधेयक को लाया गया, और देखिए 15 अगस्त से पहले उसका भी बड़ा एक अगर सिंबॉलिकली देखें तो क्या ये माना जाए कि इस बार कश्मीर में, पूरे कश्मीर में 15 अगस्त को तिरंगा फहराया जाएगा और उसका भी एक बड़ा मैसेज होगा? बिल्कुल बिल्कुल। देखिए रोहित, 5 अगस्त 2019 भी एक वैसी तारीख हो गई है जैसे 15 अगस्त 2019 की तारीख है, वैसे 5 अगस्त को भी आप नोट कर लीजिए, ये भी इतिहास की एक तारीख हो गई है। बहुत बड़ा फैसला हुआ है कश्मीर के मसले पर। आप देखिए मैंने कितने भारतवासी वहाँ गए हैं, कितने लोग वहाँ पर गए हैं, हम लोग भी खबर नवीश ना होते, पत्रकार ना होते, तो शायद हमें भी दौरा करने का वहाँ मौका ना मिला होता। तो ज़्यादातर भारतीय वहाँ पर नहीं गए हुए, लेकिन कश्मीर सबके दिलो दिमाग में बसता है, उनकी धमनियों में बसता है। तो ऐसी स्थिति में अगर ये फैसला हो रहा है तो निश्चित तौर पर बहुत बड़ा फैसला है, और तिरंगा फहराएगा कश्मीर की हर तहसील में, हर जिला पंचायत में, जिसकी तैयारी की है मोदी सरकार ने, ये एक बहुत बड़ा संकेत होगा, और सिर्फ राष्ट्र को ही नहीं, अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को भी होगा, और ये पूरी दुनिया में पूरी धमक के साथ देखा जाएगा रोहित।